हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लेटेस्ट कोड मंगलसूत्र के पेंडेंट्स के कलेक्शंस। एंड जितने भी डिज़ाइन अभी आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी कलेक्शन है, लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं। सो अगर आपको इनका वेट जानना है या फिर आपको इनका प्राइस जानना है, तो स्क्रीन में नंबर्स दिख रहे हैं, ये मेंशन कर देना ताकि मैं आपको इनका वेट या फिर इनका प्राइस बता सकूं। फ्रेंड्स, इस तरीके के जो पेंडेंट्स होते हैं मंगलसूत्र के, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल भी रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आते हैं तो सेम डिज़ाइन आप अपने नियरेस्ट गोल्ड ज्वेलरी शॉप से बनवा सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप इस तरीके के मंगलसूत्र वेयर करती हैं, पहनती हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है, ट्रेडिशनल लुक आता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि इस धनतेरस अपने लिए कुछ अच्छा बनाने का और बजट अच्छा खासा है, तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं। और धनतेरस में गोल्ड खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो अगर आप गोल्ड की चीज़ बनवाना चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइन किसी भी गोल्ड ज्वेलरी में मिल जाएंगे, लाइट वेट, हैवी वेट। सो आजकल बहुत ज़्यादा इस तरीके की जो मंगलसूत्र होते हैं ट्रेंडिंग में तो चल भी रहे हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। और अगर आपको और कलेक्शन देखना है गोल्ड मंगलसूत्र में, लाइट वेट के या फिर इससे थोड़े हैवी वेट के, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा पहले की जो वीडियोज़ हैं। ये देखिए फ्रेंड, है ना, कितने खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। एंड खास बात यह है कि इनमें कोई भी स्टोन वर्क आपको नहीं मिलेगा, प्योर गोल्ड वर्क इसमें आपको मिलेंगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। एंड आजकल लेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हैं इनको वेयर करना, बहुत ही प्यारा लुक आता है फ्रेंड्स, यकीन माने। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ और अच्छे कलेक्शंस लेके आऊँ। ये डिज़ाइन देखिए फ्रेंड, इस तरह की जो मीडियम वेट के आपके बन भी जाते हैं, मिनिमम मान के चलिए आपके 6 या 7 ग्राम तक आपका बन जाएगा, मैक्सिमम आप कितना भी बनवा सकते हैं। और आई होप आपको सारे डिज़ाइन पसंद आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।